अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी खालिद हुसैन और आप देख रहे हैं खालिद व्लॉग टीवी। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। आज 27 दिसंबर है और आज एक बार फिर से मैं कराची सब्जी मंडी में पहुंच चुका हूँ। सुबह के 8:30 बज रहे हैं। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? जो भी चैनल पर नया आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए। भाई बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं और मेरी मेहनत का भी आपका सिलसिला दे रहे हैं। आप लोगों का तमाम बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, सबका बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये वाला 30 रुपए किलो है, ये वाला 30 का लंबा वाला मोटा मोटा आलू, आलू अच्छा वाला बेहतरीन आलू है भाई। बता रहे हैं 30 रुपए किलो दिया जाएगा आपको, सही वाला आलू है। और बोले बोरी लोगे तो बोरी में आपको 25 रुपए किलो पड़ेगा, 1000। बोरी वाला है इससे और मोटा आलू भी है। ये प्याज देखें, प्याज बता रहे हैं भाई 160 रुपए किलो कह रहे हैं। अगर ज़्यादा चाहिए तो आपको 150 रुपए किलो लग जाएगी, 150 रुपए किलो तक, सही है ना। प्याज नीचे नहीं आ रही, पता नहीं यार क्यों, समझ में मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। अच्छा आलू देखें, आलू अच्छे वाला है बोल रहे हैं। हाँ बोरी लोगे तो बोरी में आपको 1000 रुपये मन पड़ सकता है, 25 रुपये ठीक। धनिया पुदीने के प्राइस शेयर कर दूँ मैं आपसे। धनिया पुदीना वही चल रहा है 3 रुपए गड्डी, पुदीना जो पुदीना ताज़ा पुदीना 3 रुपए गड्डी बता रहे हैं। और धनिया जो धनिया भी ये रेट है 3 रुपए गड्डी चल रहा है, सही है। ताज़ा धनिया पुदीना ताज़ा है बिल्कुल, 3-3 रुपए गड्डी। मेरे पास मोटी वाली गाजर रखी है, बोले हलवे के लिए किसी को चाहिए तो ले जो, ये 30 रुपए किलो पड़ेगी, अच्छी वाली गाजर है मोटी वाली, ठीक है। और ये बंद गोभी है, बंद गोभी जो वही रेट चल रहा है सेम 20-25 रुपए किलो, बंद गोभी का रेट वही चल रहा है भाई 20 रुपए किलो 25 रुपए किलो। और ये वाली जो गाजर है ये थोड़ी पतली वाली है, अच्छी वाली है, खाने के लिए भी है, जूस वाली गाजर है, बेहतरीन गाजर है। ये देख सकते हैं आप, ये भी 30-35 रुपए किलो दे रहे हैं। हाँ 70 रुपए किलो मटर देखो, 70 रुपए किलो बता रहे हैं, अच्छी वाली मटर है। गाजर 40 रुपए किलो ठीक है। और करेला, करेला 60 रुपए किलो, करेला देखने, करेला भाई बता रहे हैं 60 रुपए किलो बोल रहे हैं, ज़्यादा चाहिए तो 50 रुपए किलो लग जाएगा, सही है ना। शिमला मिर्च का वही रेट चल रहा है 25 रुपए किलो, 30 रुपए किलो। मारू को तो देखें, मारू को तो भी सही है, अच्छा वाले मारू। हाँ भाई कह रहे हैं कि 30 रुपए किलो बेचे हैं, 25 रुपए किलो लग जाएगा आपको, 25 रुपए किलो, सही है। ये चुकंदर है भाई, बड़ा अच्छा वाला चुकंदर है, मोटा वाला चुकंदर है, ये 40 रुपए किलो दे रहे हैं। सब्ज़ी घर के लिए परचेज़ करनी है तो यही बेस्ट टाइम है, सुबह के 8:30-9 बजे आप लोग आ सकते हैं। और कुछ लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं यार कमेंट में, काफ़ी मैंने बार बताया भी है कि 1-2 किलो मिलेगी सब्ज़ी, भाई 2-3 किलो मिल जाती है सब्ज़ी घर के लिए, 2-3 किलो, 1 किलो नहीं देते ये लोग, 2-3 किलो मिल जाती है। ये शकरकंडी मेरे सामने रखी है, शकरकंडी भाई ने एक ने ली है अभी, ये वाली शकरकंडी जो सामने नज़र आ रही है आपको, ये 70 रुपए किलो बता रहे हैं शकरकंडी के, ये रेट चल रहे हैं 70 रुपए किलो, 60 रुपए किलो, 60 रुपए किलो भी मिल रही है ये वाली 60 रुपए किलो, और जो है ना 70 रुपए किलो भी है। टमाटर भाई के पास पड़ा है, ये अच्छा वाला टमाटर है, बड़ा वाला टमाटर है, इसमें वजन कितना होगा तकरीबन, 15 किलो है, 15-16 किलो टमाटर है, यहाँ 550 रुपए की पेटी बता रहे हैं भाई, 650। छोटा टमाटर का भी, ये छोटे साइज के, ये देखें छोटा वाला, ये 400 रुपए का दे रहे हैं भाई, ठीक है ना। ये थोड़ा छोटे साइज़ का, ये 400 रुपए का लग जाएगा, इसमें भी 14-15 किलो टमाटर होता है। वो वाला थोड़ा बड़े साइज़ का है, 550 रुपए का बोल रहा है, 600 का बोल रहा है, लेकिन 550 का बोल रहा है दे दूंगा मैं फैनर। प्याज के रेट से और मैं आप शेयर करता हूँ, ये वाली प्याज नज़र आई है मुझे, ये बता रहे हैं ये 150 रुपए किलो, सही है। ये बोरी बोरा तो लोगे तो थोड़ा सा कम हो जाएगी, ये 150 रुपए किलो। और ये जो बराबर में रखी है ये बोल रहे हैं कि 140 रुपए किलो, 145 बेचना है, 140 रुपए लग जाएगी। मोटी वाली मिर्ची पड़ी है भाई के पास, ये कह रहे हैं 25 रुपए किलो मोटी वाली मिर्ची, मिर्ची का वही सेम रेट चल रहा है 25 रुपए, 30 रुपए किलो, सही है। मोटी वाली मिर्ची 25 रुपए किलो है। मलीर वाली मिर्ची वही दो किस्म की पड़ी है, एक ये वाली है जो ये 25 रुपए किलो, ये वाली 35 रुपए किलो, दूसरी वाली हरी वाली, हरी वाली जो तेज़ वाली होती है ये 35 रुपए किलो। नींबू के प्राइस आज 70-80 रुपए किलो चल रहे हैं, ये 80 रुपए किलो बता रहे हैं नींबू है जो जमेरी, ये वाले 260 रुपए किलो है, मोटा वाला लहसुन 260 रुपए किलो, देसी लहसुन रखा हुआ है छोटे साइज का, ये 280 रुपए किलो, सही। अदरक दिखा दूँ मैं आपको, अदरक भी अच्छी वाली रखी है इनके पास, 240 रुपए किलो। वीडियो अच्छी लगी तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सही। ये छिले वाला लहसुन मैं आपको दिखा दूँ, ये छिले वाला लहसुन ये 360 रुपए किलो बता रहे हैं, छिले वाला लहसुन देसी। सेम फली रखी है भाई के पास चौड़ी वाली, 40 रुपए किलो चौड़ी वाली सेम फली, ये 40 रुपए किलो। करेला इन भाई के पास रखा हुआ, ये बोले 50 रुपए किलो है, थोड़ा और कम कर दूंगा। तुरई देखें आप, तुरई ताज़ी बिल्कुल फ्रेश तुरई है, ये जो 35 रुपए किलो बता रहे हैं, लेकिन पूरी ये बोलो ये तुलाओगे 10-12 किलो है, 30 रुपए किलो लग जाएगी, सही है ना।
मीठा का तो वही रेट बता रहे हैं 20 रुपए किलो मीठा का। तो जल्दी जल्दी मुकम्मल करूंगा इंशाल्लाह, वीडियो थोड़ी छोटी बनाया करूंगा। और ये देखें भिंडी, देखें माशाल्लाह भिंडी, देखें वीआईपी ताज़ी भिंडी है जो 140 रुपए किलो दे रहे। भिंडी देखें आप, वीआईपी अच्छी वाली भिंडी है सुल्तानाबाद की। खीरा पड़ा है पतला वाला, ये कहलाता है फार्म वाला खीरा, सही है ना, पतला वाला खीरा होता है ये। इधर मंडी में अभी 35 रुपए किलो दे रहे हैं भाई, 35 रुपए। जो इससे मोटा वाला है वो 25 रुपए किलो भी मिल रहा है। चीज़ चीज़ का फ़र्क होता है भाई, ये 35 रुपए किलो, वो 25 रुपए किलो। भिंडी जो 140 रुपए किलो, 20 रुपए किलो। गोल वाला बैंगन रखा हुआ भाई के पास, अच्छा वाला ताज़ा बैंगन है, 20 रुपए किलो। ये लौकी देखो, लौकी अच्छी वाली लौकी भाई ने अभी दे दी है सारी, 15 रुपए किलो, सही है ना। लौकी देखें आप ताज़ी बिल्कुल फ्रेश लौकी है, 15 रुपए किलो। सारी तोलो, सारी दे दी भाई ने, 15 रुपए किलो, देख लें आप। मोटी वाली जर्मन मिर्च के प्राइस शेयर कर दो आप, जर्मन मिर्च जो पकौड़े वाली होती है, ये भी 30 रुपए किलो है मंडी में, 30 रुपए किलो भाई। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखें मिर्ची नज़र आ रही है, कराची सब्जी मंडी में मिर्ची बहुत ज़्यादा आई हुई है, काफ़ी मिर्ची नज़र आ रही है, 25 रुपए 20 रुपए किलो बिक रही है, सही है। इसलिए मिर्ची सस्ती हो चुकी है, जो चीज़ ज़्यादा होगी वही मैं आपको कहता रहता हूँ, जो चीज़ मंडी में ज़्यादा आ जाएगी वो सस्ती मिलेगी आपको। मुंगरा देखें, मुंगरा भाई के पास रखा है, मुंगरा बता रहे हैं 60 रुपए किलो, अच्छा वाला मुंगरा है, ताज़ा मुंगरा है, 60 रुपए किलो दे रहे हैं भाई। ये है भाई कराची सब्ज़ी मंडी, यहाँ पर बहुत अच्छी सब्ज़ी मिलती है। तुरई देखें, तुरई है इनके पास काफ़ी पड़ी है, बोल रहे हैं तुरई ले लो, 30 रुपए किलो आपको लग जाएगी, 30 रुपए किलो सिर्फ। खाली सब्ज़ी वाला आप लोगों को सही गाइड क्या करें इंशाल्लाह। ये देखें गाजर, देखें वीआईपी गाजर रखी है माशाल्लाह, ये वीआईपी गाजर 35 रुपए किलो, 35 रुपए किलो बता रहे हैं भाई। गाजर, गाजर अच्छी वाली देखें, ताज़ी गाजर लाल सुरख, जूस के लिए बेहतरीन गाजर है, 40 रुपए किलो। लोबिया की फली है ना, लोबिया फली बता रहे हैं भाई, ताज़ी लोबिया पड़ी इसके पास, 40 रुपए किलो, सही है। रांची सब्जी मंडी भाई, यहाँ पर हर किसी के अपने अपने रेट होते हैं, थोड़ा सा माल घूम फिर के लोगे ना माल आपको और ज़्यादा सस्ता मिलेगा, ठीक है, थोड़ा सा घूम फिर के लोगे तो सस्ता मिलेगा आप। बैंगन भाई के पास पड़ा है, ये लंबे वाले बैंगन, ये जो है ना ये 20 रुपए किलो बता रहे हैं, बोल रहे हैं लेना है तो 15 रुपए किलो लग जाएगा, सही है। मटर इन भाई के पास रखे थे, मटर बहुत अच्छी वाली मटर है, ताज़ी मटर नज़र आ रही है मुझे, हरी भरी मटर है, ये 60 रुपए किलो बता रहे हैं, 60 रुपए किलो। इसीलिए मैं कहता हूँ घूम फिर के लोगे तो माल अच्छा मिलेगा और सस्ता मिलेगा, ये 60 रुपये। क्या दाम दे रहा है टिंडा? 12 रुपये किलो। हाँ 12 रुपये किलो टिंडा, 12 रुपये किलो बता रहे हैं भाई, देखो टिंडा देखो, 40 रुपये किलो चुकंदर, 40 रुपए किलो इनके पास टिंडा है, जो टिंडा 15 रुपए, 12 रुपए किलो बेच। शलजम थोड़ा सा पड़ा है, शलजम बोल रहे हैं भाई ये सारा तो लाओगे तो 15 रुपए किलो लग जाएगा, वैसे 20 रुपए किलो बेच रहा हूँ, 15 रुपए किलो लग जाएगा। ये भी लौकी भी काफ़ी तादाद में आई है, को ज़्यादा जो ज़्यादा मकदार में सब्ज़ी नज़र आएगी वो समझ लो आप सस्ती, ये 15 रुपए किलो, देखो पूरा शापर तो लोगे बोले 12 रुपए किलो लग जाएगी, 15 रुपए 12 रुपए किलो लौकी। मलीर वाला मटर ये क्या साहब दे रहे, मलीर वाला मटर क्या साहब? 70 रुपए किलो, 70 रुपए किलो। देखो मटर देखे आप, ये भी मटर ताज़ा माशाल्लाह, मलीर वाला मटर होता है ये, पूरा भरा हुआ मटर है, डंडा सर्विस, सिर्फ 70 रुपए किलो सिर्फ। मटर थोड़ा सा और सस्ता हो गया भाई, सुबह का टाइम होता है और सस्ता हो जाता है। मटर देखें आप, मटर चेक करें, पूरा फुल भरा हुआ मटर है, ताज़ा मटर, 70 रुपए किलो मलीर वाला मटर। फूल गोभी नज़र आई है, देखिए फूल गोभी, बड़े बड़े फूल अच्छे वाले फूल हैं, ये 30 रुपए किलो दे रहे हैं फूल गोभी, ताज़ा गोभी है, 30 रुपए किलो। काफ़ी लोग अक्सर मुझसे पूछ रहे होते हैं यार सब्ज़ी मंडी ये है कहाँ पर, कराची में कहाँ है ये सब्ज़ी मंडी? सुपर हाईवे पे, मेन सुपर हाईवे पे, सही है ना, हैदराबाद की तरफ जाओगे तो हैदराबाद वाले रोड पे ही पड़ती है सब्ज़ी मंडी कराची सुपर हाईवे पे। और फैमिली के लिए अगर सब्ज़ी लेना, घर के लिए आना चाह रहे हो तो सुबह 8 बजे, 8:15, 9 बजे तक आ सकते हो, 10 बजे के बाद मंडी खाली होने लग जाती है, सब्ज़ी ख़त्म होने लग जाती है यहाँ पर, सही है ना। तो हम लोग तो रात को आते हैं, मैं तो खुद वीडियो बना रहा हूँ अभी, सब्ज़ी हमारी जा चुकी है वहाँ पर, ठीक है ना, मेरा भाई लेके जा चुका है, मैं यहाँ पर सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ अभी, वीडियो बना के मैं चला जाऊँगा 9:30-9:10 बजे। जी हाँ, वीडियो के नीचे बार बार कमेंट्स वही कर रहे होते हैं, सवाल पूछ रहे होते हैं कि घर के लिए सब्ज़ी कितनी, 2 किलो 3 किलो मिल जाएगी, 2 किलो 3 किलो मिल जाएगी, ईजिली मिल जाएगी, 2-3 किलो आपको सब्ज़ी, 3-3 किलो लो तो 1 किलो नहीं देते यहाँ पर, 2-3 किलो कम अज़ कम, 2 किलो 3 किलो, ठीक है ना। हम लोगों तो मनों के मन से लेके जाते हैं ना हिसाब से, 20-20 किलो, 10-10, 30-30 किलो, 50-50 किलो। अब हमने आप 2-2.5 मन मटर लिया, आज खीरा वगैरह लिया है 3-4 कट्टे, तो हमें सस्ता पड़ता है, ठीक है ना। आप लोग 2 किलो 3 किलो लेने वाले हैं तो आपको थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, इतना भी महंगा नहीं पड़ेगा, जो रेट बता रहे हैं वही रेट होगा, सही है ना।
और कोई भी किस्म का आप जहन में सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मूली के वही रेट चल रहे हैं, मूली 12 रुपए किलो बता रहे हैं, 10 रुपए किलो। और जो हरी प्याज है, हरी प्याज जो है ना वो महंगी है, 150 रुपए किलो। और जो मेथी है, मेथी हम लोगों ने खुद ली है, 40 रुपए किलो, ठीक है ना, 40 रुपए किलो है। पालक इन भाई के पास पड़ी अच्छी वाली पालक है, ताज़ी पालक है, सही है ना, ये 15 रुपए किलो बता रहे हैं। पालक देखो, ताज़ा पालक है बिल्कुल। कोई भी किसी किस्म का सवाल हो तो कमेंट में आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आप लोगों का सवाल का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह, ठीक है ना। गोभी तो आपने बहुत खाई होगी, ये बलोगी सब्ज़ी होती है, ये देखें आप, ये भी अच्छी वाली है बलोगी, तो इसके रेट है 60 रुपये 70 रुपये किलो दे रही है, ये देखें आप, ताज़ी है ये भी बलोगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर। इसके साथ ही खालिद हुसैन को इजाज़त दीजिए, कल किसी नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खालिद हुसैन को दुआ में याद रखिएगा।